मल्लिका, सुम्बुलावा आखिर कहाँ थे तुम? सुबह से मैं तुम्हारा पूछ रही, दोस्तों पाशा क्यों नहीं आया अब तक? मल्लिका कसम ले लीजिए, मैं भी यहाँ पर आपसे उनका ही पूछने आया था। क्या हुआ? अब तक तो पहुँच जाना चाहिए था ना मल्लिका, पर रास्ते में ज़ालिमाना हमला हुआ है ये सुना गया है। गेक पूजे के करीब उनकी बग्गी को जला दिया गया है और उनकी मौत का बताया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? कौन जुर्रत कर सकता है मेरे सूबेदार पर हमला करने की? रहजनों ने हमला किया था आका, आप इत्मीनान रखिए, बेशुमार यानी चर भेज दिए हैं, उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। वो मलिका मेरे आका, आका माजरा चाहती हूँ, जो सुना है क्या वो दुरुस्त है रुस्तम पाशा? अभी कुछ हतमी नहीं हुरम, लेकिन उस पर हमला हुआ है ये आश्कार है। खैरियत तो है सुम्बुलावा, चेहरा क्यों सफेद हो रहा है? पाशा का सदमा है क्या? कसम से जो कोई भी इस साजिश के पीछे है वो इसकी सजा जरूर भुगतेगा। तुम देख लेना मर जाना आगा, मलिका कतन उन्हें मुआफ नहीं करेंगी। जाने वाला चला गया, अल्लाह मगफरत करे उनकी। ऐसी साजिश कौन कर सकता है? आपका दामाद बनने के लायक पाशा के साथ आखिर ऐसा जुल्म कौन कर सकता है? बिल्कुल बेफिक्र रहिए मलिका, उन्हें सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाएगी। इसमें कोई शक ना रखें लुत्फू पाशा। आओ। मुझे तुम पर हमले की खबर दी गई थी। दुरुस्त है आपा, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मेरे जानिसार साथियों ने जलकर अपनी जान दे दी, बास को तहे तहे कर दिया गया। तुम कैसे बच गए रुस्तम पाशा? अल्लाह की रजा से वजीर आजम मोहतरम, मेरे रब ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो गए, कहीं जख्म तो नहीं आया तुम्हें कोई? खुदा का शुक्र है आपा, वो मेरा बाल भी बीका ना कर सके क्योंकि मैं तमाम हिफाजती तदाबीर करके सफर पर रवाना हुआ था। राहजनों ने पहले से मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी थी, मुझे बग्गी में सवार समझ रहे थे वो गद्दार, जबकि मैंने भेस बदल कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया था। आका के लायक होने वाला दामाद बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मेरा दामाद हमेशा ऐसे ही तदबीर और समझदारी से काम लेना रुस्तम पाशा, ऐसे ही रहो ताकि दुश्मन अपने खोदे हुए कुएं में खुद गिर जाए। आका ने शहजादों के हमरा उनके हम उम्र बच्चों की भी रस्म मुसलमानी करवाने का हुक्म सादिर फरमाया है। ए लोगों, हमतन गोश होकर सुनो, शहजादों की रस्म मुसलमानी है। इस जहां के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान की इकलौती दुख्तर महरमा सुल्तान का दियार बाखिर के सूबेदार रुस्तम पाशा के साथ निकाह किया जाएगा।
मेहरवा सुल्तान की शादी पर जश्न 15 दिन और 15 रातों तक जारी रहेगा और पाए तख्त के चारों अतराफ में चिरागा किया जाएगा। हर खास और आम गौर से सुन ले। गुलबहार खातून, कैसा लग रहा हूं मैं? जैसे कि आप हैं पाशा, जबरदस्त। आओ पाशा मोहतरम, आपका घोड़ा हाजिर है। महल जाने के लिए आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजर हैं सब। आला, आज सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि खातून हम सबकी किस्मत बदल रही है। हम सबकी। ए लोगों, हर खास आम गौर से सुन ले। शहजादे बयाजत के साथ शहजादे जहांगीर मोहतरम की रस्म मुसलमानी की जाएगी। हमारे आका सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम ने शहजादों की उम्र के तमाम गरीब बच्चों की मुसलमानी करवाने का हुक्म सादिर फरमाया है। सकता क्या मैं बच्चा हूँ? शहजादी, ये नहीं हो सकता। उसूल के मुताबिक आपको इसे लाजमी पहनना होगा। माशाल्लाह, कसम से बहुत प्यारा लग रहा है शहजादी। बयाजत, तुम्हारा लिबास तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सलीम। शहजादी, माशाल्लाह। सलीम भाई, क्या बहुत तकलीफ होगी? बहुत ही ज्यादा। शहजादे, बिल्कुल फिक्र न करें, खास तौर पर मैं आपके पास ही रहूंगा। चलिए आइए शहजादे, टीला छोड़ दे अपने जिस्म को। आइए शहजादे। ये बहुत बुरा हुआ शहजादी, रुस्तम नाम के कम नस्ल ने इस शादी के जरिए अपने कदम बहुत मजबूत कर लिए हैं। ये ऐसा खोल है कि उसे कोई भी चाहे तो नहीं तोड़ सकता। ये बात एक वजीर आजम कह रहा है। ये मत भूलें कि सल्तनत के हर इंसान की तरह रुस्तम भी आपके हुक्म के ताबे होगा। हुरम सुल्तान के हुक्म के सामने मेरे हुक्म की कोई हैसियत नहीं। मेरे खिलाफ जुर्रत इस्तेमाल करने के बजाय दुश्मन के खिलाफ करें तो बेहतर होगा। बादब शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद शहजादे। बहुत शुक्रिया शहजादी। आपको भी खुश आमदीद माहे दौरा। पाशा, खुश आमदीद शहजादे। कैसी हो? आपकी सलामती के लिए दुआगो हूँ। मलिका, तशरीफ ले चलिए। माल कोचू, नसू आफंदी, आका ने दरबार में सबकी आमद का हुक्म दिया है। अभी वक्त है पाशा, आप जल्दी आ गए। जल्दी पहुंचने वाले को रास्ता मिल जाता है। क्यों नसू आफंदी? आज तक जितना भी रास्ता मिला है उसे देखकर लगता है जल्दी उठना तो एक तरफ रहा, आप कभी सोए नहीं मुझे लगता है। काश के वक्त पर मकतूल पाशा भी जाग जाते, शायद आज भी हमारे दरमियान होते।
ये समझने के लिए माजी से इबरत लेने की जरूरत होती है, लेकिन इंसान वक्त गुजरने के साथ भूल जाता है, खासतौर पर हाथ में अख्तियार आने के बाद। मुझे दूसरों से ना मिलाएं, मेरे माजी में जो कुछ भी हुआ कभी भी नहीं भूल सकता हूं उसे मैं, और भूलूंगा भी नहीं। आपका सफर कैसा गुजरा शहजादे? असल में तो मेरे कदम मुझे वापस ले जा रहे थे पाशा, लेकिन देख लें हम यहीं हैं अपनी बहन की शादी में। मेरे लिए तो यह शादी की रस्म नहीं बल्कि शोक मनाने के लिए जनाजा है। रुस्तम ने कुछ भी करके अपना मकसद हासिल कर लिया। सच तो यह है कि मुझे भी हैरत हो रही है मलिका, रुस्तम नाम का लालची पहले ही फुर्सत में सबका खून चूसना शुरू कर देगा। दरबार आपके हाथों में है लुत्फो पाशा, हुसरेव और सलमान के साथ मिलकर रुस्तम पाशा को हरगिज मौका ना दीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें शहजादे, मेरी हमेशा उस पर नजर रहेगी। असल में तो मुझे मेहरमा की फिक्र है, ऐसे रिश्ते के लिए वो कैसे राजी होगी मैं समझ नहीं पाया। हुरम का अपने मफाद के लिए ऐसा करना कुछ भी नहीं है मुस्तफा, इसमें क्या शक है। दुरुस्त, अपने ही हाथों से आग में झोंक दिया अपनी बेटी को। जो होना था हो गया, अब वक्त आ गया है हमें फौरन तैयार होकर चलना चाहिए। मेहरमा, मेरी चांद सी बेटी, कितनी खूबसूरत लग रही हो इस लिबास में तुम। ध्यान से काम करो, सब कुछ खराब कर दिया। माजरत चाहती हूँ शहजादी। काम जल्दी निपटाओ। जी। मेहरमा, तैयारियों ने तुम्हें बहुत थका दिया है, लेकिन अब खत्म हो गई, आज आखिरी दिन है। इजाजत दो तुम्हारे लिबास को सही तरीके से ठीक करवाया जाए। शादी में इतनी खूबसूरत लगो कि दुनिया में हर तरफ सिर्फ तुम्हारी ही बातें हों। ये शादी नहीं है वालिदा, जनाजे की रस्म है, और ये लिबास मेरा कफन होगा। अरे भागता कहाँ है बुद्धिल, यम 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 यम, ठहर अभी तेरी गर्दन दबोचता हूँ बदमाश। अरे इधर तो आ जरा, छोड़ मेरी दाढ़ी ना बकार। अरे ये टांग क्यों खींच रहा है, खुदा की मार तुझ पर, दिल लगी का क्या भोंडा अंदाज अपनाया है। ओहो जरा अपनी टोन तो देख, जैसे कुछ देर में हकीम आने वाले हैं, देखते हैं उसके बाद तुम कितना मुस्कुराते हो। मुझे अपने आप से मत मिलाओ सलीम, मैं तुम्हारी तरह बुजदिल नहीं हूँ। जश्न शुरू हो चुका है मलिका, पाए तख्त के चार जानिब रियाया के लिए दस्तरखान बिछा दिए गए हैं। जामे मस्जिद में 15 रोज तक गुरबा में खाना तकसीम किया जाएगा, अशरफिया और मलबूसात भी तकसीम किए जाएंगे। सनान आगा के लिए जो इनाम मुख्तस किया था वो भिजवा दिया आपने, उन्होंने वादे के मुताबिक वो मस्जिद शादी से पहले मुकम्मल कर ली। आप इत्मीनान रखिए मलिका, सुम्बुल आगा खुद इनाम लेकर गए हैं। आला, जरूरतमंद औरतों और बच्चों का खास ख्याल रखा जाए, इस बात को मद्देनजर रखा है ना आपने। मलिका, हमने खास तौर पर औरतों और बच्चों पर इखराजात किए हैं, उनकी रिहाइश के साथ साथ उनके खाने पीने और मलबूसात का भी बंदोबस्त किया गया है। मलिका, हर कोई आपके लिए दुआ को है, अल्लाह कबूल करे। अफीफा खातून, आमीन आमीन। खुश आमदीद शहजादी। शुक्रिया हुरम, मेरे भतीजे कैसे हैं, आफियत से होंगे? बिल्कुल, आप देख ही सकती हैं, बहुत खुश हैं। खुश आमदीद शहजादी, शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे वजूद का हिस्सा है और मेरे खून का भी। माहिदौरा, तुम्हें यहां दोबारा देख के खुशी हुई मुझे, मुलाकात हुए जमाना गुजर गया। लगता है वाकई तो मुझे बहुत याद करती रही है।
मेरे आका। हर किसी को बखूबी मालूम है कि मेहर माँ मेरा बेशकीमत असासा है, इसे तुम्हारी अमान में सौंप दूंगा, लेकिन तुम हमेशा उसे अपनी पलकों पर बिठाओगे, ये जान लो। शहजादी का सुकून और खुशी मेरे लिए हर चीज से ज्यादा अहम है आका। आपके और उनके लायक होने के अलावा मेरी और कोई भी आरजू नहीं। आला लुत्फ पाशा। फरमाइए आका। रुस्तम पाशा को मैं सिर्फ दामाद के तौर पर ही नहीं, इसके हमरा वजीर अव्वल के तौर पर भी देखना चाहता हूं। आपके हुक्म की तामील होगी मेरे आका। रुस्तम पाशा तुम आज के बाद वजीर अव्वल होके खैरियत का वसीला होगा, मुझे उम्मीद है। आपकी नवाजिश है आका। मेरा रब आपके चेहरे की तरफ देखते हुए मुझे कभी शर्मसार ना करे। आमीन। मरहबा। मरहबा, खुश आमदीद। कहाँ रहे इतने दिन, मुझे याद किया कि नहीं? अरे मियां कहाँ, इस ज़माना कौन किसे याद रखता है। अच्छा देखो, ये तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ मैं परदेश से। हमारे ताल्लुक को कई बरस बीत गए लेकिन बास चीजें अब तक नहीं बदली, क्यों ऐसा ही है ना? तब्दील ना होने वाली तुम हो हुरम। पहले दिन तुम्हें जब देखा था तुम्हारी रूह एक आग में जल रही थी, वो अब तक मुझे नहीं, बिल्कुल एक अजदहे की तरह अपने इतराफ में सबको खाकस्तर किए जा रही है। तुमने तो अपनी औलाद से भी रियायत नहीं की, मेहरमा को भी नहीं छोड़ा। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है माहिदौरा। मैं जानती हूँ कि बच्चों को कैसे पालना है और मैं जो भी कर रही हूँ उन सबकी खुशी और सलामती के लिए ही है। मुझे रोकने के लिए तुम लोगों ने जितने भी हथकंडे आजमाए उसी की वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ा। कैसी सलामती? मेहरमा गहरे रंज से दो चार है, ये सब जानते हैं। मेहरमा को आने वाले सदमात से बचने के लिए आज का ये गम बर्दाश्त करना पड़ेगा। मलिका आओ। फारिहा, रस्म अदा करने के लिए सब कुछ तैयार है। मलिका, आका को भी खबर भिजवा दी है। आला, शहजादों को उनके बिस्तर पर ले जाओ। इसे तुमने पहचान तो लिया होगा, एक जमाने में ये तुम्हारी खिदमत में थी। दरअसल तुमने अच्छी तरबियत की है इसकी। एक वफादार कनीस मिल गई मुझे तुम्हारी वजह से। मेहरमा, तुम्हारी फिक्र थी मुझे क्योंकि तुम्हारी बुरी हालत के मुतालिक सुना था। देख लो, ठीक हूं मैं। तुम्हें बताती हूँ मुझे क्या लग रहा है। मोहब्बत के सदमे से तुम्हारा दिल भी खाकस्तर और तुम्हारी जान भी खाकस्तर।
कोई और बात की तो तुम्हारी जान भी खाकस्तर हो जाएगी। यकीन करो मैं तुम्हें रंज देना नहीं चाहती, शायद इसी में आफियत हो। इंशाल्लाह रुस्तम पाशा के साथ खुश रहोगी तुम। आमीन, अल्लाह की रजा से हम खुश रहेंगे, क्योंकि पहले मैं इस रिश्ते की मुखालिफ थी, लेकिन फिर गौर किया मैंने तो मुझे लगा कि ये बेहतर होगा मेरे लिए, क्योंकि रुस्तम पाशा एक ताकतवर और रोशन मुस्तकबिल के हामिल हैं, और मेरे लिए जो एहतराम और मोहब्बत रखते हैं वो तो सभी जानते हैं। मालकोचो को भूल गई तुम क्या? वाकई? हाँ भूल गई उन्हें, वो तो बचपन की किताब का एक वर्ग था जो बस हवा से पलट गया। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो शाम की तैयारी कर लूं मैं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। बेआज़त, मेरे बेटे ठीक हो तुम? आपकी सलामती के लिए दुआ गू हूं आका। जहांगीर, मुझे बताया गया है कि खौफजदा नहीं हो तुम। हमारा शेर किसी भी चीज से नहीं डरता। मुस्तफा भाई, अगर आप मेरे पास रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। मलिका, वक्त हो गया है, हकीम आने ही वाले हैं। ठीक है, आए बाहर चलते हैं। आपको बहुत मुबारक हो रुस्तम पाशा, अब आप भी इस दरबार से वाबस्ता हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सलमान पाशा, मगर ये तमाम मनसब तो आर्जी होते हैं, असल अहमियत इस अजीम सल्तनत की खिदमत करना है। जवां उम्री में तेजी से मनाजिल तय किए हैं अपने पाशा, हर किसी को नसीब नहीं होता ये, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चलना नसीब फरमाए। आमीन। आप जैसे अजीम और तजुर्बेकार पाशाओं के होते हुए मैं सिराते मुस्तकीम से नहीं भटक सकता कभी भी। हुसरेफ पाशा, लुत्फो पाशा, क्या आप दोनों मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? असल मुबारकबाद आपको नहीं बल्कि उस जो को देनी चाहिए, क्योंकि उस नन्ही सी जान ने आपको मौत के मुंह से बचा लिया। सच बात पर क्या कहा जा सकता है, मैं आपकी जगह होता तो मैं उस जो को ढूंढकर अपने सर के ताज में लगा देता, क्योंकि आप उसी जूं के सबब इस काबिल हुए। अल्लाह की हिकमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता पाशा, हजारों सिपाहियों और मालो दौलत से जो नहीं हो पाता वो एक जूं से हो जाता है, जैसा मेरे साथ हुआ। याद रखना कि आज यहां जो हिम्मत दिखाओगे आगे चलकर मैदान जंग में, वो एक बहादुर और निडर शहजादे होने की खबर देगी। हकीम साहब, Thank you.
ओहो आगे से तो ऑटो। अल्लाह अल्लाह, तुम भी प्याज जरा जल्दी काटो, कहीं ऐसा ना हो कि इस देग में तुम्हें डालना पड़ जाए। शकर आगा, आका का खाना तैयार कर दिया क्या तुमने? बस होने वाला आगा। अरे ये बावर्ची कहाँ रह गया, बुला कर लाओ उसे जरा, चलो जाओ। अल्लाह, ये तुमने क्या कर दिया, अब तक खाना तैयार नहीं कर सके, सब महल वालों का पेट भर दिया और आका के लिए खाना तैयार नहीं हुआ। ए आदम, सबका सब हाजिर है, बादामी पुलाव हाजिर है, हलवा हलवा कहाँ रह गया है? कहाँ गया? सारे थाल तो जल्दी लेकर आओ। अरे जल्दी लाओ, रखो यहाँ पे। कसम से, इतनी बलाएं और बीमारियां सर करने के बाद कहीं जाके ये शादी हो सकी। शुक्र है, बरकत हो गई, खैर हो गई। अल्लाह आका और हुरम सुल्तान का साया हम पे हमेशा सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। लेकिन मेरा सा कहाँ गया आगा, उसकी तो तुम बात ही नहीं कर रहे, वो कहाँ है? मरजान की नजरें मुझ पर है, मेरी कमजोरी ढूंढता फिर रहा है मुजल्ला। पहले तुम जरा इस हंगामे को खत्म हो जाने दो शकर आगा। चलो भाई मैं चला। शहजादी, सब आपके मुंतजर हैं। बिलाआखिर आका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उन्हें काफी अरसे से इतना खुश नहीं देखा। खुदा का शुक्र है शहजादे, मेहरमा सुल्तान और शहजादों की रस्म से सबको ही बेहद खुशी हुई है। हर किसी को खुशी नहीं हुई मालकुच, रुस्तम पाशा का आका से इतना करीब आना बिल्कुल भी खैर की अलामत नहीं है। शहजादे आप इत्मीनान रखें, आका वो देखते हैं जो हम नहीं देख सकते, वो सुनते हैं जो हम नहीं सुनते। इसके अलावा मैं भी यहां हूं, आका और इस खानदान को कोई भी जरर नहीं पहुंच सकती, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आका के इतराफ किसी बाएतमाद शख्स का होना बेहद मुफीद होगा। शहजादी, क्या सूरत हाल है? सब तैयार है आफीफा खातून। आप बहुत प्यारी लग रही हैं शहजादी, मेरा रब बुरी नजर से, हसद भरी नजर से बचाए आपको। आफीफा खातून, हर कोई आपका मुंतजर है, हमें चलना चाहिए। शहजादी, जब तक आप नहीं चाहेंगी हम नहीं जाएंगे इस कमरे से। तुम सब बाहर चली जाओ, चलो यहां मत रुको, बाहर जाओ। आफीफा खातून, बाहर जाओ। शहजादी, खुद को मत रोकिए, इन आंसुओं को बहने दीजिए अपनी आंखों से, ताकि आपके दिल का सारा गुबार निकल जाए, कोई बोझ ना रहे। आंसुओं में निकाल दीजिए अपने अंदर के रंज गम को। शहजादे मोहतरम, शादी में शिरकत फरमाकर बहुत इज्जत बख्शी आपने। मेहरमा सिर्फ आका की ही नहीं बल्कि मेरी भी आंखों का नूर है रुस्तम, दीगर बरादरान की तरह मेरी भी जान है वो। उसे सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले मुझे अपने मुकाबल खड़ा पाएंगे। आपके अंदेशे को समझ सकता हूं शहजादे, लेकिन मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई गई हैं उन पर एतबार मत कीजिएगा। मैं इस अजीम खानदान का एक वफादार गुलाम हूं, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरी वजह से आपको या शहजादी को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मुझे भी यही उम्मीद है तुमसे, मैं चाहता हूं कि माजी के किसी माजी में ही दफन रह जाए।
इस खानदान के दामाद बन रहे हो तुम। यह हर किसी को नसीब नहीं हो सकता, इसकी कदर करना। आका ने तुम्हें जो इमारत और ताकत बख्शी है उसे संभल कर इस्तेमाल करना। अफीफा खातून, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मुकद्दर का लिखा मिटाने की किसने ताकत पाई है आज तक? इस जहां के बादशाह की दुख्तर होने से भी कोई फायदा नहीं। किस्मत में जो लिखा है वही होता है। ये कैसी किस्मत है? मुझसे कौन सा ऐसा गुना सरजद हो गया? शहजादी, कतन शिकायत ना कीजिए आप, सब्र कीजिए, कबूल करके राजी हो जाएंगी तो परवरदिगार अपनी जन्नत के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। लेकिन अगर कबूल ना करके शिकायत की तो सुकून मिलना मुमकिन नहीं होगा। मैं दरवाजे पर आपकी मुंतजर रहूंगी, तैयार होने के बाद मुझे खबर कर दीजिएगा। अफीफा खातून, तैयार हूं मैं। सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। आपको बहुत मुबारक हो शहजादी, आपके हसीन चेहरे पर कभी गम की शिकन ना आए। ये शादी खैरियत का वसीला होगी, मुझे उम्मीद है। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को उम्र दराज अता फरमाए। आमीन ज़ैनब खातून, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। फखर है अपनी आमद पर मलिका, आपके साय में फकीर फकरा के चेहरे मुस्कुराने लगे। क्या अल्लाह कैसे बुरे दिन आ गए, उसे वालदा सुल्तान समझ रहे हैं सब। ये हमारी वजह से है मायतौरा, तुम्हारी और मेरी वजह से। ऐसा ही है ना शाहबान, तुम भी कुछ रोक ना पाई। आस्तीन का सांप इतना बड़ा हो गया कि हरम में किसी के लिए भी जगह नहीं रही। हरगिज मुझे कसूरवार ना ठहराओ। दुरुस्त, तुमने जो चाहा पा लिया,
मेरी जगह ले चुकी हो तुम, लेकिन वो जगह इतनी महफूज नहीं जितना तुमने समझ लिया। लुत्फा पाशा से कहना वो होशियार रहें, क्योंकि किसी भी रात जालिम जल्लाद आ सकते हैं। मैं अपनी ताकत अपने गुलामों से नहीं, अपने खून से लेती हूँ खजीना। शहजादी, अब ऐसी बातें करने का फायदा नहीं है कोई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, दरबार हमारे कब्जे में है और हरम को अपने कब्जे में करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा हमें। मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मेहरमा, मेरी चांद सी हसीन शहजादी। रियासत में तुम्हारी जानिब से की गई इस्लाहात काबिले तारीफ हैं। मैंने सुना है कि सरोहान की आवाम तुमसे बेहद खुश हैं। खुद को आपके लायक साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आका, मुनासिब वक्त में आपको मालूमात देना चाहता हूं। जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर कदम की खबर मुझ तक पहुंच जाती है। रुस्तम पाशा, तुम्हारी वफादारी साबित करने का वक्त आ गया है। तकब्बुर और गुरूर से दूर रहकर इस अजीम सल्तनत की खिदमत अंजाम देना। इस खानदान की वफादारी से खिदमत करोगे तो ये खंजर तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन वफादारी को भूलकर तकब्बुर और गद्दारी के समंदर में रास्ता बनाओगे तो उस वक्त ये जान लो कि ये खंजर तुम्हारी मौत साबित होगा। रुस्तम गुलाम की ये जान आप पर फिदा करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। बुलबुल होती मैं, काश मैं बुलबुल होती। बुलबुल होती मैं, काश मैं बुलबुल होती। बाग में भरपूर पर झूमती गाती रहती। बुलबुल होती मैं, काश मैं बुलबुल होती। गाते हुए मैं रोती, रोते हुए फरियाद करती। तेरी कैद में आकर इसका ज़मीर कैसा है गुलफा? एक माँ अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकती है ये? ये पहली बार नहीं हो रहा खजीना। हम में से किसको इंतखाब का हक मिला है? हमारे मरहूम बाबा और मरहूमा वालिदा सुल्तान, हम जिसे चाहते काश उसी से हमारी शादी करवा देते। तितली होती मैं, उड़कर तुमसे आ मिलती। बुलबुल होती मैं, काश मैं बुलबुल होती। काश मैं खुशबू होती, सांसों में तेरी समा जाती। काश मैं जंजीर होती, कदमों से तेरे लिपट जाती। इल्तिजा करती तुझसे मैं फरियाद करती। बुलबुल होती मैं, काश मैं बुलबुल होती। बाग में भरपूर पर झूमती गाती रहती। बुलबुल होती मैं,
मुस्तफा भाई, शादी के बाद मेहमान भाई रियासत संभालने के लिए जाएंगे और फिर शायद मैं भी जाऊंगा। तुम्हारे हक में जो बेहतर होगा वही होगा, सब्र करो। आका, वक्त आ गया है शायद। शहजादे ने खुद पर शदीद मेहनत की है। रियासत संभालने के बाद इनके तजर्बे और ताकत में मजीद इजाफा होगा मेरे आका। इसमें कोई शक नहीं। खैरियत का वसीला हो रुस्तम पाशा, अब आप इस खानदान के दामाद बन चुके हैं। शुक्रिया अमीरुल बहर पाशा, अल्लाह हम सबको अपने घर में खुशी और सुकून बख्शे। तुम क्या कहते हो बाली साहब, अब तो तुम्हारी बारी है ना? ये काम नसीब और किस्मत के हैं पाशा, हिसाब और किताब से नहीं होते। अगर हो गए तो ठीक, ना हुए तो नहीं। आप लोग जारी रखें। वादा मेहरमा, मेरी जान सी दुख्तर, शानदार रब العالمین ने बनाए, मेरे खुदाए बरतर ने काबिल सद तारीफ हुस्न तख्लीक किया। तुम्हारे हुस्न की चाह में कुल आलम आशुफ्ता व आरुफ्ता है। चांद दिन में मुंह छुपा लेता है और सूरज शाम के बाद खत्म हो जाता है। तुम्हारे चेहरे की ताबिंदगी से इस दुनिया में बहार आई है। मुबारक अल्लाह, कैसा हुस्न है जितनी तारीफ की जाए कम है। खैरियत तो है बाली साहब, किस बात पर अफसरदा हो तुम? मैं यहां हवाखोरी के लिए आया था। अगर तुम इस रिश्ते की वजह से नाखुश हो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। याद रखना, आज के बाद मैं भी आका के बिल्कुल करीब रहूंगा तुम्हारी तरह। बर्दाश्त करना सीख लो, दूसरी सूरत में तुम्हें बरतरफ कर दिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा। आका की ख्वाहिश पर यहां हूं मैं, और उनकी इजाजत के बगैर मुझे कोई भी कुव्वत उनसे हरगिज दूर नहीं कर सकती। अल्लाह ताला के हुक्म अबदी और पैगंबर इज्जत माप की सुन्नत के मुताबिक उलमाए कराम की मौजूदगी और गवाहों की गवाही के साथ सुल्तान सुलेमान खान की दुख्तर नेक अख्तर मेहरमा 1,00,000 सोने की अशरफियों के मेहर मुअज्जल समेत वो अब तुम्हारे हल्के ज़ौजियत में आने वाली हैं। अब्दुल रहमान के बेटे रुस्तम पाशा के साथ निकाह में कबूल है।
कबूल है। निकाह में कबूल है? कबूल है। निकाह में कबूल है? कबूल है। अल्लाह ताला के हुक्म अबदी और पैगंबर इज्जत माँ की सुन्नत के मुताबिक उलमाए कराम की मौजूदगी और गवाहों की गवाही के साथ वकीलों की मौजूदगी में अब्दुल रहमान के बेटे रुस्तम पाशा के साथ सुल्तान सुलेमान खान की दुख्तर महरमा सुल्तान का निकाह कबूल किया? जी हाँ। कबूल किया? जी हाँ। कबूल किया? जी हाँ। मैं दोनों गवाहान की गवाही के साथ इस निकाह की तस्दीक करता हूँ। मैं हूँ महरमा सुल्तान, इस जहाँ के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान की दुख्तर। मेरी माँ का नाम खुर्रम सुल्तान है। मुझे नाम और ताकत अपने बाबा से विरसे में मिली, जुर्रत और जहानत अपनी माँ से विरासत में पाई। मैं सूरज और चांद की शहजादी हूँ। मैं हूँ महरमा सुल्तान, 1522 में पैदा हुई। मेरी पैदाइश के दिन इस महल में खुशी नहीं बल्कि गम छाया रहा, खास तौर पर मेरी माँ हुरम सुल्तान के लिए, क्योंकि मैं एक शहजादा नहीं थी। चांद की चांदनी जैसी एक बेटी पैदा हुई है। हरम के उसूलों के मुताबिक शहजादा नहीं होगा तो हुक्म देने का इख्तियार नहीं होगा, कोई भी परवाह नहीं करेगा। हरम की दीवारों से चाहे सर टकराकर जान दे दो, लेकिन अगर शहजादा हुआ तो आसपास रकीब जमा हो जाएंगे, मगर फिर कोई भी तस्लील नहीं कर सकता। ताकत और इक्तदार में एक हिस्सा मिल जाएगा। इस वजह से मैं बिल्कुल नाराज नहीं अपनी माँ से, उन्हें समझ सकती हूँ। मैं हूँ महरमा सुल्तान, जो चाहा सब हासिल करने वाली, हर बात को अपने हुक्म से मनवाने वाली, इस जहां में पैदा होने वाली सबसे ताकतवर शहजादी। मैं हूं महरमा सुल्तान, किसी और के ख्वाब आंखों में सजाए, ये शानदार शादी मेरे लिए जनाजे का मातम बन गई। मोतियों हीरों के साथ सजा हुआ ये लिबास जैसे कफन हूं मेरा। 17 साल की उम्र में मेरी रुस्तम पाशा से शादी कर दी गई।
शहजादी, मैंने तवील अरसा इंतजार किया, इस लम्हे का ख्वाब देखा, एक इंसान अपने जहन से इससे बड़ा कोई ख्याल कभी भी तख्लीक ही नहीं कर सकता। रब का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे ख्याल को सच्चा कर दिया। आपने जो कहा था वो याद है आपको? हवस मत करो पाशा, तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। उसके बावजूद मैंने आपको अपने दिल से नहीं निकाला, कतन शक नहीं किया, क्योंकि आप मेरे जज्बात से आगा नहीं है। लेकिन आज आप जान लेंगी। ये जहर है शहजादी, इंतहाई ताकतवर, चंद कतरे पीना ही काफी है, दिल फट जाता है, मुंह से खून आने लगता है, पीने वाला अपने ही खून में डूब जाता है। के लिए जान भी देने को तैयार हूं शहजादी, ना रुतबा, ना मालो दौलत और ना ही कोई जायदाद, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, आपका हुक्म ही काफी होगा, उसी लम्हे में अपनी जान दे दूंगा। महरमा सुल्तान, सुल्तान सुलेमान खान और हुरम सुल्तान की इकलौती दोहतर, मोहब्बत को, मासूमियत को जवां उम्री में ही खो दिया, एक दिन में हजारों बरस बूढ़ी होने वाली महरमा। मैं हूँ महरमा, आज के बाद मुझे कोई भी आग नहीं जला सकती, क्योंकि अब मैं खुद एक आग हूँ। आयशा हुमा शाह है, तुम्हारा नाम आयशा हुमा शाह है।
जाने दो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। रहम करो आगा, रहम करो। रुको रुको आगा, छोड़ दो इन्हें। क्या जुर्म है इनका आगा? आगा रहम करो, हमने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही ऐसा कोई बुरा काम किया है। खामोश हो जाओ आदम, इन सबको साथ ले चलो। बात तो सुन लीजिए। वजीर आजम मुहतरम, कहो। आपके हुक्म के मुताबिक कबाखाने और उसमें काम करने वाली औरतों के कमरों पर छापा मारा गया है। क्या वहां सब औरतों को जमा कर लिया? 3 कबाखानों और 2 मैखानों में से 10 गुनाहगार गिरफ्तार कर लिए हैं, इन्हें जिंदान में डाल दिया है। आला, काजी साहब से कहो फौरन उन्हें अदालत में पेश करके उनकी इसलाह के लिए उन तमाम औरतों को लिमनी बंदरगाह से मुल्क बदर किया जाए। आज के बाद पाया तख्त में मैखाना आबाद करने वाला और वहां काम करने वाला दोनों नहीं रह सकते। मेरे आका, हंगरी की मलिका इजाबेल की जानिब से मक्तूब आया है। आका, आपके इल्म में ये बात होगी कि हंगरी के शाहजादा पोलिया पिछले बरस वफात पा गए हैं। उसकी कब्र कुशादा हो, अपनी कब्र में आराम मिले। ज़पोलिया की मौत से फायदा उठाते हुए फर्डिनेंड ने मलिका इजाबेल को धमकी दी है। उसका बेटा सिगिज़मुंड, जो बमुश्किल चंद महीनों का है, उसकी जिंदगी के बदले में हंगरी के तख्त का तलबगार है। मेरे आका, सुना तो होगा आपने वो ऐलान। ज़पोलिया ने पहले ही शाह फर्डिनेंड के साथ खुफिया समझौता कर रखा था। जब तक जिंदगी है वो पहचाना जाएगा हंगरी के शाह के तौर पर, और अगर उसने अपना वारिस ना छोड़ा तो उस मुल्क को हाब्सबर्ग ऑस्ट्रिया में शामिल कर देगा। आका, इसी वजह से इजाबेल से शादी की थी, बगावत करने वाले हंगरी के ब्रादरान को खामोश करने के लिए। आका, इस फर्डिनेंड नाम के कम नस्ल ने वाज विशेगराद और अस्तोलनी बलगराद के किलों में हंगामा करवा दिया है और हमारी जानिब लास्की नामी सफीर भेजा है। मैंने अब तक उससे मुलाकात नहीं की है, काफी दिन से वो मुलाकात के लिए इंतजार कर रहा है। क्या पेशकश कर रहा है? फर्डिनेंड चाहता है कि अगर हंगरी की शनशाहत उसके हवाले कर दी जाए तो वो वादा करता है कि ज़पोलिया के जमाने में तुर्कों को जो महसूल अदा किया जाता था उसकी अदायगी वो करता रहेगा। ये कैसी जुर्रत है समझौता करना और सफीर को भेजना? हंगरी को हाब्सबर्ग के साथ मिलाना, इस सबका क्या मतलब है? ज़पोलिया और फर्डिनेंड के दरमियान किए गए समझौते की कोई अहमियत नहीं है। बजा इरशाद फरमाया आका, लेकिन मलिका इजाबेल तख्त पर अपने बेटे को बिठाना चाहती है और उसका पिसर अभी शीरखार बच्चा है, उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या मालूम कि उसका वालिद ज़पोलिया हो ही ना। आका, अगर आप मुनासिब समझें तो इस मामले की अच्छी तरह तहकीकात कर लेते हैं। कैसी तहकीकात पाशा? आका, अगर आप इजाजत दें तो फौरन किसी काबिल शख्स को रवाना कर देते हैं। मलिका इजाबेल जिस बच्चे की बात कर रही हैं, वाकई वो ज़पोलिया का है या नहीं, इसकी तस्दीक हो जाएगी। मुनासिब है लुत्फ पाशा, फौरन से पिसालार अली आगा को भेजो। इल्म अकल में वो तमाम काबिल अशखास में से एक है। हकीकत जो भी है मालूम करके मुझे खबर करे। आपके हुक्म की तामील की जाएगी मेरे आका। वालिदा, इसका पेट नहीं भरता, सब कुछ करके देख लिया लेकिन भूखी रहती है। मेहरमा लाओ मुझे तो संभाल के आजा मेरी बच्ची। महरमा उदास मत हो, तबीबा से बात की है, उसने कहा है कि ये हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। फारिहा, तुम लहूसा का शरबत ले आए क्या? शकर आगा ने अपने हाथों से तैयार किया है मलिका। मलिका, आयशा उमाशा सुल्तान के लिए नई रजाइमा आ गई हैं। मुझे उम्मीद है ये बेहतर रहेगा। मलिका, अल्लाह वालदेन का साया सलामत रखे। आमीन। तुम्हारा नाम क्या है खातून? आमीना मलिका। गुलबहार, उसूल और कवानीन अच्छी तरह समझाती है ना इसे? आप खातिर जमा रखिए मलिका, कुछ देर कबल मुआयना किया है, तबीबा ने तसल्ली करके इसे भेजा है,
एहतियात से। बहुत मुश्किल से इसने दूध पिया है, लेकिन ये खुराक काफी नहीं है। देखो ख्याल रखना, इसे मेरी नजरों से उछल न करना, और ये भी ख्याल रहे कि इसकी ग्रजा में हर तरह की सफाई का ध्यान रखना। आपका जो हुक्म शहजादी। गुलबहार, पास वाला कमरा इसे दे दो। आप खातिर जमा रखिए शहजादी। आओ खातून। मलिका, शहजादी। कुछ बरस पहले तुम कहती थी कि मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ती, लेकिन अब देख लो, वालिदा बनना इतना आसान नहीं है। उम्मीद है तुम्हारी नींद कच्ची होगी। कच्ची है गुलबार खातून। आला, एक आंख खुली रखकर सोना, रात में कम से कम 2 मरतबा दूध पिलाना। तुम्हारा कमरा ये है। ये हंगरी वाला मसला अहम है पाशा, मोहतात रहने की जरूरत है। आप मुतमईन रहे आका, मैं खुद देखभाल कर रहा हूं। आज मेहरमा बता रही थी, तुम काम के साथ साथ उसका भी बहुत ख्याल रखते हो। जब भी फुर्सत मिलती है उनके साथ रहता हूँ मलिका। आप तो जानती हैं शहजादी अभी चल फिर नहीं सकती, उन्हें तन्हा छोड़ने पर दिल राजी नहीं होता। कतन लापरवाही नहीं करना। मेहरमा कैसी है हुरम? उम्मीद है आफियत से होगी। ज्यादा वक्त मैं उसी के साथ गुजारती हूँ सलेमान, हफ्ते भर में बेहतर हो जाएगी। रुस्तम पाशा वैसे भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। एक काबिल शख्सियत होने के साथ साथ अपने आप को एक अच्छा शौहर और वालिद भी साबित कर दिया। ये तो मेरा फर्ज है मलिका। आका माजरत, शायद ये मुनासिब वक्त नहीं, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए खुसूसी मसला है। कहो। मनीषा से शहजादे मुस्तफा मोहतरम के मुतालिक एक खबर आई है मेरे पास, जिसके मुताबिक शहजादे ने यनीचरों से मुलाकात करके उनमें अशरफियां तकसीम की हैं। वल्ला शहजादी, रुस्तम अपनी हद से बाहर निकल रहा है। आज दरबार में उसने मेरी बात से इख्तलाफ करने की जुर्रत की। आका की नजरों में वक्त हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन आका उसके अंदर छुपी हुई मक्कारी को नहीं देख पा रहे। हुरम ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि उनके लिए हकीकत को देखना मुमकिन नहीं। रियासत का मसला बहुत आम है पाशा, एक बार और मशवरा देना होगा। शहजादी, फुर्सत मिलते ही बात करता हूं, लेकिन हुरम सुल्तान ने आका को ऐसी गिरफ्त में लिया हुआ है कि मैं उन्हें किसी तरह कायल नहीं कर पा रहा हूं। मेहमत चला जाए तो उसे भी जाना पड़ेगा, वो अच्छी तरह जानती है। तुम उन्हें कायल करने पर मजबूर हो पाशा, 20 बरस के शहजादे का पाया तख्त में क्या काम। हुरम सुल्तान जो चाहती है वही होता है शहजादी। आखिर सबकी क्या जरूरत पेश आ गई? शहजादी की अक्सर उन लोगों से मुलाकात रहती है आका, अभी आखिरी मर्तबा मेहरमा सुल्तान के बहाने से तकसीम की अशरफियां शहजादी की मां बनने की खुशी में। इसमें क्या हर्ज है पाशा, उन्होंने अपनी भांजी की खुशी में अशरफियां तकसीम की हैं। शहजादी की नेक नियति पर बिल्कुल भी कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन एक शहजादी का ऐसे सबब की वजह से अशरफियां तकसीम करना पहले कभी नहीं देखा मलिका। तुम्हारी गलत फहमी है मेरे ख्याल में, यानी चर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए उनके पास जाना, उन पर तवज्जो देना जरूरी है। माजरत मलिका, लेकिन ये उन्हें जेब नहीं देता। इसके अलावा आका को ऐसे किसी भी वाकये से आगाह करने पर मैं मजबूर हूँ मलिका, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। आका, अगर इजाजत दें तो शहजादी मेरी मुंतजर होंगी। तुम जा सकते हो।
सुलेमान इसके लिए हरगिज भी परेशान ना हो आप। आखिर शहजादे ने अपनी भांजी की खुशी में अशरफियां तकसीम की है ना। कौन हो तुम? निगार खातून, आका ये सुबह आपका वकार बुलंद करे। कैसे आए पाशा? आका आपके हुक्म के मुताबिक मलिका इजाबेल को मक्तूब भेज दिया है। इसके अलावा फर्डिनेंड को भी आपका फरमान रवाना कर दिया है। मुल्क को जबोलिया के बेटे के बाले होने तक मलिका और वारदन पिस्को पोसो उत्ती शिनोविच मार्ती नोजो को संभालने का हुक्म सादिर किया है। आला, पेशरफ से आगाह करते रहना, कुछ और नहीं कहना तो जा सकते हो। एक और मसला है आका, काफी अहमियत का हामिल है। तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? आओ, ये क्या हालत बना रखी है? मेरी हालत का मत पूछो, कुछ नहीं बता सकती नसुआ फंदी। कुछ दिन पहले ही वापस आई हूं। क्या तुम अकेली आई हो? बेटी कहां है तुम्हारी? वो नहीं मिली नसुआ फंदी। आपकी बताई हुई जगह पर गई थी लेकिन वो वहां भी नहीं थी, जैसे जमीन फट गई और सब के सब उसमें समा गए हो। ना मरहूम के घर वाले थे और ना मेरी बेटी। मेरे अल्लाह, तो फिर तुम फौरन आ जाते। सोचा कुछ रोज और उसे ढूंढ लूं। उसका सुराग लगाने की पूरी कोशिश की, अशरफियां खत्म होने पर लाचार हो गई, बामुश्किल वापस आ सकी। मरने वाले के साथ मरने से काम नहीं बनता है। निगार खातून, जरा मेरा हाल देखो नसुआ फंदी। मेरे साथ क्या कर दिया? सब उन लोगों की वजह से, हुरम सुल्तान की वजह से, उस रुस्तम नामी कम नस्ल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। मेरी औलाद भी मुझसे छीन ली। अब तुम यहां क्या करने आई हो खातून? अपने मुल्क वापस चली जाती। तुम समझदार खातून हो, हौसला मंद भी हो, जरूर कोई रास्ता ढूंढकर खुद को संभाल लेती। तुम अपनी राह पर जाओ नसुआ फंदी, मैं भी अपने लिए कोई राह ढूंढ लूंगी। आओ मेरे साथ, पहले तुम्हारे रहने की जगह का बंदोबस्त कर लें, बाद में कोई राह ढूंढ लेंगे। आका, शहजादे महमद फुर्सत के औकात में मेरे पास तशरीफ लाकर उमूर सल्तनत के मुतालिक मुझसे गुफ्तगू करते हैं। उसे करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन शहजादे रियासत के मुतालिक सवाल करने का पूरा हक रखते हैं मेरे आका। कई मरतबा मैंने मशवरा दिया, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे शहजादे के बारे में तशवीश है क्योंकि वो काफी उदास हैं। वो ये समझते हैं कि आपको एतमाद नहीं है उन पर। वो कैसे सोच सकता है पाशा?
महमत मेरी जान है, उस पर कैसे एतमाद नहीं होगा मुझे। बिल्कुल मेरे आका, बिल्कुल। लेकिन शहजादे अब 20 बरस के हो चुके हैं। मैंने बहुत समझाया लेकिन बेसूद। आप तो ये जानते ही हैं कि वो जवान हो चुके हैं और इस उम्र में इंसान पुरजोश होता है। उसूलों के मुताबिक उनका रियासत के लिए जाना नागुजीर हो चुका है। मेरे आका, रुस्तम पाशा तशरीफ आए हैं। आने दो सर। मेरे आका, आपको बेराहत करने पर माजरत। बेराहत नहीं कर रहे हो पाशा, मैं लुत्फ पाशा के साथ गुफ्तगू कर रहा था। ये महमत का फौरन रियासत संभालना तजवीज कर रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है रुस्तम? आप ज्यादा मुनासिब समझते हैं आका, लेकिन ये एक अहम फैसला है, अतराफ का जायजा लेने की भी जरूरत है। रजाई माँ से मुतमईन हो ना तुम? ठीक तरह ख्याल तो रख रही है ना वो? जी बिल्कुल, वो कल रात बिल्कुल नहीं रोई। खातून मेरी बेटी का बिल्कुल अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती है। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा आप ठीक नहीं लग रही, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा भाई मुस्तफा फिर से अपनी मर्जी के मुताबिक चलने लगा है और इस वजह से आका सख्त बरहम है। अब क्या कर दिया? सच तो यह है कि मैं उसकी मोतरिफ हूँ, काफी समझदार है। यानी चरकी आंखों पर पर्दा डालने के लिए मौका मिलते ही अशरफियां तकसीम करने लगता है वो। लुत्फ पाशा क्यों नहीं आया अभी तक? आका ने क्या जवाब दिया होगा? वो आजकल बेहद मसरूफ है, रात देर तक दरबार में काम करते रहते हैं। कोई खैर की खबर होती तो जरूर पहुंचाते। लगता है आका को कायल करने में कामयाब नहीं हो सके वो। आओ मरजान आका। शहजादी। क्या पाशा नहीं आया अब तक? पाशा महल तशरीफ ला चुके हैं शहजादी, लेकिन वो कहां गए हैं इस बारे में कोई मालूमात नहीं मुझे। शहजादी, एक मेहमान आया है। कौन है वो? निगार खातून, मुस्तफा बरादर से ऐसा कोई भी काम करने की उम्मीद नहीं है मुझे। मेहरमा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माह दौरा को नहीं भूलना चाहिए। हर वक्त फसाद पैदा करने में मसरूफ रहती है वो, उसका जहन खराब कर रही है। हर रात जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटती हूं तो यही सोचती हूं मेहरमा, कि अल्लाह ना करे अगर आका को कुछ हो गया या उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंच गया तो हमारा क्या होगा फिर। दरबार में सिर्फ रुस्तम है जो हमारा वफादार है, दूसरे पाशा सब के सब मुस्तफा के तरफदार हैं। वालिदा, ऐसी बेमानी चीजों के मुतालिक इतना मत सोचा करें। कैसे नहीं सोचूं मेहरमा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुकून गारत हो गया है। मलिका, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपसे यहां मुलाकात हो गई। खैरियत तो है रुस्तम पाशा? हम तो समझे तुम अपने मुल्क जा चुकी हो। गई थी मलिका, लेकिन वहां नहीं रह सकी, बिल्कुल नहीं रह सकी। बरसों गुजारने के बाद मेरी सरजमीन अजनबी सी लगने लगी है अब मुझे। कहां रह रही हो आजकल? निगार, रहने के लिए कोई जगह है क्या? शुक्रिया नसूहा फंदी का, मेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया उन्होंने, लेकिन मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मकसद क्या है निगार? दो बरस बाद वापस आने की कोई तो वजह होगी, जरूर तुम्हारे जहन में कुछ होगा, क्यों है ना?
अगर तुम्हें अपने पास रख लूं ये चाहती हो तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जान लेंगे और मैं आका से वजाहत नहीं कर पाऊंगी। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है शहजादी, कतन आपको बेराहत नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपसे मदद चाहती हूँ शहजादी। शहजादी, निगार खातून की नीयत आश्कार है, अशरफियां दरकार है इन्हें। नहीं मरजाना खा, मुझे अब अशरफियों और सोने से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। तो फिर क्या चाहती हो बताओ मुझे। मेरी मदद का वादा करेगी तो बताऊंगी शहजादी। तुम पहले बताओ निगार, हम उसके बाद फैसला करेंगे कि तुम्हारी मदद की जाए या नहीं। तुम क्या कह रहे हो रुस्तम, ये कैसे हो सकता है? आका अपना फैसला लुत्फो पाशा पर कैसे छोड़ सकते हैं? हुक्म देते वक्त मैं वहीं मौजूद था मलिका, मैंने उजलत ना करने का मशवरा दिया, लेकिन बेमानी, तीनों शहजादों को यकीनन उस महल से जाना होगा। सबको एक दिन जाना है, वैसे भी रोकना मुमकिन नहीं है। महरमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी औलाद की आकिबत को शाह सुल्तान और लुत्फो पाशा के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती मैं। रुस्तम पाशा मेरे साथ आओ। चलो सबसे सब खड़े हो जाओ और एक कतार में लग जाओ फौरन। रुकें, रुकें आगा, क्या कर रहे हैं आप? योर्गी तुम हो क्या? मैं हूं, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस अजीम तुर्क सल्तनत का वजीर आजम हूं, समझ गए? मेरे दौरे हुकूमत में ये काम नहीं चल सकता, कहबा खाना चलाकर जिसम फरोशी से आमदनी कमाने की इजाजत मैं कभी नहीं दे सकता। तो मैं पहले भी समझाया, अभी तक इस जगह पर गुनाह का प्रचार कर रहे हो। इस जगह को मोहर बंद किए जाने के बावजूद तुमने मोहर तोड़कर कहबा खाना फिर से शुरू कर दिया है। सारे कमरे बंद कर दिए हैं कसम से पाशा मोहतरम, सिर्फ यहाँ अब रक्स की ही महफिल होती है। कवानीन का हर हाल में एहतराम कर रहे हैं, छुप कर कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। ये सब तुम अदालत में काजी को बताना, यहाँ जो भी है सबको ले जाकर जंजान में डाल दिया जाए, खास तौर पर इस योर्गी को। रहम करे पाशा। या अल्लाह इनको हिदायत अता कर, अस्तग़फिरुल्लाह। फौरन बातचीत करके उसे रुकवाना होगा। मलिका मैं ऐसा मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि अब उन्हें मजीद रोकना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। क्या करूंगी फिर, अपनी औलाद को जाने की इजाजत दे दूं क्या मैं? उस अनहोनी को होने दूं क्या? और वैसे भी वो सब यही चाहते हैं, मैं इसका मौका नहीं दूंगी उन्हें। हंगरी में सूरत हाल संगीन है मलिका, कुछ ही दिनों में सफर का फैसला होने वाला है। इस सूरत हाल में रियासत जाने के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा। मैं अपने काम किस्मत पर नहीं छोड़ सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मलिका, पाशा, मैं आयशा सुल्तान को सुलाने के लिए आई थी यहाँ। अंदर जाओ खातून। इस मसले के बारे में मैं भी सोचती हूँ रुस्तम, और तुम भी गौर करो। तू ही तू है सपनों में मेरी खुशियाँ, तू ही है, ना है तुझसा कोई यहाँ। तेरा चेहरा सपनों में, तू ही तू है सपनों में। शहजादी, माजरत, मैं समझी शहजादी बेदार हो गई इसलिए आई थी। अभी कुछ देर पहले ही सोई है। अल्लाह इन्हें बुरी नजर से बचाए, बहुत प्यारी हैं ये, फरिश्ते जैसी हैं हमारी शहजादी। रुस्तम, वालिदा चली गई क्या? चली गई शहजादी। वो खबर ही ऐसी है, कहाँ रुक पाएंगी? ये मसला अहम है, बरादर कब रवाना होंगे रियासत के लिए? खातून तुम जा सकती हो अब,
ये खातून कहां से आई है, किसने भेजा है इसे? मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ, इसकी वजह से आयशा सुकून से सो पाई है। आप फिक्रमंद ना हो, आगा ने इसके बारे में तफ्तीश कर ली है। आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी खिदमत पर कौन मामूर है मुझे पता होना चाहिए, ताकि मुझे फिक्र ना रहे। बीर से काम लेने में फायदा होगा अमीरुल बहर पाशा। शाकलियन और फर्डिनेंड चैन से नहीं बैठेंगे, जाहिर है। तुम साहिलों को महफूज बनाओ। आप फिक्र ना करें आका, आपको मालूम है कि वेनेटिक दोचो को आपकी बख्शी हुई सलाह और इससे मोहदे के बाद बहरा रूम दीगर ममालिक के लिए बंद हो चुका है, और हिस्पानवी काफिर वेनेटिक की मदद के बगैर इस समंदर में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे आका, आप चाहें तो 3 सूबेदारों को खबर भिजवा दूं, क्योंकि असल काम उन्हीं का होगा। आला, उन्हें भेज दो। मालकुचू, लुत्फ पाशा शहजादे के लिए रियासत संभालने का मशवरा दे रहे हैं काफी दिनों से, तुम क्या कहते हो? ये साहिब मशवरा है मेरे आका, तवील अरसे से शहजादे महमद इसके लिए बेचैन है, वो अब पायतख्त में रहना भी नहीं चाहते। तुम्हारी क्या राय है अमीरुल बहर पाशा? आका, रियासत के बगैर गुजरने वाले दिन कुछ न कुछ खोने के मुतरादिफ है। शहजादे मुस्तफा सही वक्त पर चले गए थे, उनकी अहलियत बेशकीमत है, और आप ये जानते हैं कि एक शहजादे के लिए और सल्तनत की बका के लिए उनका रियासत संभालना जरूरी है। तुम क्या कहती हो खजीना, निगार ने जो कहा है क्या वो कर सकेगी? उसकी हालत नहीं देखी क्या? वो सब कुछ कर सकती है। बिस्मिल्लाह। शहजादी, आखिर आप आ गए पाशा। उमूर सल्तनत में मसरूफ रहा, किसी भी तौर काम खत्म ही नहीं हो पाते, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। आका ने आखिरकार इस नाचीज के मशवरे पर गौर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कबूल कर लिया क्या? महमद कब तक जाएगा? सिर्फ शहजादे महमद नहीं, बल्कि उनके साथ शहजादे सलीम और बियाजत भी जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या आपको इस बात का यकीन है पाशा? बिल्कुल यकीन से शहजादी, आका ने मुझसे मुंतखब रियासतों के बारे में तहकीक करने के बाद मशवरा तलब किया है, और शहजादी यकीनन आप भी यही चाहती थीं कि शहजादों के लिए जिन रियासतों का इंतखाब किया जाए उनका फैसला मेरे मशवरे से हो। इसे कहते हैं अच्छी खबर। हमें फौरन उन रियासतों पर गौर करना होगा। हुर्रम महमद के साथ जाएगी, इसलिए वो किस रियासत में जाएगी ये अहम होगा। उसे जितना हो सके यहाँ से दूर भेजना चाहिए, लेकिन हमें किसी नजदीकी रियासत का मशवरा देना चाहिए, वरना आका हमारा मशवरा कभी कबूल नहीं करेंगे। आका, हॉब्सबर्ग के शाह के सफीर सैरोम लास की तशरीफ लाए। उसे आने दो। सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, शहनशाह आर्शिदो फर्डिनान की जानिब से अजीम बादशाह की खिदमत में सलाम बजा लाता हूँ। लुत्फ पाशा, जरा इनसे पूछें आखिर ये क्या चाहते हैं। आर्शिदो फर्डिनान हंगरी को अपनी तहवील में लेना चाहते हैं। सुपोलिया से तयशुदा तुर्क उसूलों के तहत तमाम महसूलात की अदायगी का एक पुख्ता वादा करते हैं। सुपोलिया मेरा सूबेदार था, अगर फर्डिनेंड भी मेरा सूबेदार होता तो फिर उस वक्त हम ये बिल्कुल कबूल कर लेते। शहजादी, क्या हुआ खातून, तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? हायर सुल्तान, मेरा कितमी her şey yolunda. Aya. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Hürrem Sultan sık sık ziyaret ediyorlar sultanımızı. Dün gece Rüstem Paşa ile konuşurlarken gördüm. Tam anlamadım ama bir sancak meselesinden bahsettiler. Hürrem Sultan kafi berham ho rahi thi shahzadi.
कोई और बात है क्या? नहीं शहजादी, मौका मिलते ही मालूमात फराहम करूंगी आपको। अपने चश्मों गोश खुले रखो खातून, उस महल में जो कुछ हो रहा है सब जानना चाहती हूं मैं। बहुत मोहतात रहना। चलो तुम ज्यादा देर मत करो, अब फौरन वापस जाओ। आपका जो हुक्म शहजादी। हंगरी जैसी मुमलिकत को लश्कर इस्लाम ने दो मर्तबा फतह किया, अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी मर्तबा भी अल्लाह ताला के हुक्म से हम उसे फतह करेंगे। ए अजीम बादशाह, जपोलिया ने हमारे साथ एक मुआहदा तय कर रखा था। मेरे सूबेदारों में से कोई मेरी इजाजत और मेरे हुक्म के बगैर किसी से भी मुआहदा नहीं कर सकता। इस सबब इस मुआहदे को कलदम करार देता हूँ। मुआहदे की अहमियत जब होती जब जपोलिया का कोई वारिस नहीं होता, जबकि मलिका इजाबेल का एक बेटा मौजूद है। अभी तो वो एक शीरख्वार बच्चा है पाशा, हंगरी के तख्त को कोई भी एक शीरख्वार बच्चे के सुपुर्द नहीं कर सकता। तख्त हंगरी कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा इसका फैसला सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। ये फतेह मोहाज के बाद से हमारा हक है। फर्डिनेंट, मैं अगर हिम्मत है तो मेरे पास अपना सफीर भेजने के बजाय उठे और बुदीन में हमारा मुकाबला करे, लेकिन अगर मेरे वहां पहुंचने से पहले फरार हो गया तो उस वक्त मैं उसे बुजदिल करार दूंगा। बुदीन रवाना किए गए सिपहसालार अली आगा की कोई खबर है क्या? अभी कोई खबर नहीं आका, लेकिन मैंने उनके जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए बेहतरीन घोड़ों का इंतखाब किया है, अनकरीब कोई खबर आ जाएगी। आला लुत्फ पाशा, हंगरी में शायद दोबारा बगावत होने वाली है, इस वजह से तुम खुफिया तौर पर तैयारियां शुरू कर दो। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। शहजादे। फरमाइए आका। आओ साथ मिलकर चहलकदमी करें, तुम भी हमारे साथ आओ लुत्फ पाशा। मेरे लिए वैसे शर्फ होगा। मौसम बेहतर हो जाए तो तुम्हारे हमरा मुनासिब मौके पर शिकार खेलने चलेंगे। सलीम और ब्याजत भी होंगे हमारे साथ। जैसे आपका हुक्म हो आका। लुत्फ पाशा, तुमसे पहले जिस मामले पर गुफ्तगु हुई थी उस बारे में तहकीक कर ली क्या? जी बिल्कुल मेरे आका, मैं आपको अपनी तहकीक से बजाते खुद आगाह करना चाहता था। आला, तो फिर बताओ जरा शहजादे के लिए तुम कौन सी रियासत में जाने का मशवरा दोगे? रियासत? आका अगर आप भी मुनासिब समझें तो शहजादे महमद के लिए अमसिया रियासत जाने का मशवरा दूंगा, क्योंकि मशरकी सरहद बहरे अस्वद के करीब होने के सबब काफी अहमियत की हामिल है वो रियासत। मतलब कि अमसिया? अच्छा, सलीम और ब्याजत के लिए क्या मशवरा दोगे? शहजादे सलीम के लिए कोनिया रियासत और शहजादे ब्याजत के लिए कुथाया रियासत बेहतर होगी आका। मतलब कि कोनिया और कुथाया, मुनासिब है। तुम फौरन तैयारियां शुरू करो। जो हुक्म मेरे आका। आका अगर आप मुझे दुनिया भी बख्श देते तो इतनी खुशी नहीं होती, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हें बहुत पहले रियासत भेजने की जरूरत थी, लेकिन तुमने सब्र के साथ इंतजार किया, तुम दिल लगाकर तहमुल के साथ मेहनत करते रहे, तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। हमेशा आप जैसे अजीम इंसान की फर्माबरदार औलाद बनना चाहूंगा आका। शहजादी, आका ने आखिरकार शहजादे महमद के लिए रियासत संभालने का मशवरा कबूल फरमा लिया। जल्द ही शहजादे महमद अमसिया रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिलाखिर आज मैं सुकून से सो सकूंगी, मगर हुरम की नींद आराम हो जाएगी। शहजादे मुस्तफा मोहतरम को भी इसकी खबर भिजवा देनी चाहिए, यकीनन वो इस खबर को सुनकर खुश होंगे। बिल्कुल, इसी 22 हुरम से जल्द चांद छूट जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता शहजादी, आप देख लीजिएगा यहां से नहीं जाएंगी, वो कोई ना कोई राह निकालकर यहीं ठहर जाएंगी। अब सारे दरवाजे खुल चुके हैं, उसे निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे, वो सर जोड़कर बैठ गई होगी अब, खासतौर पर रुस्तम के साथ।
गर्चे। उसके मुतालिक मेरे जहन में एक ख्याल है। महमद को अपनी नजरों के सामने रखो, उसके इतराफ में किसी को देखना नहीं चाहती, ना लुत्फ पाशा को ना शाह सुल्तान को। मलिका, रुस्तम पाशा बरहक हैं, शहजादों को मजीद रोका भी नहीं जा सकता। मलिका, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सुबुल, हमें हर हाल में रोकना होगा उन्हें। महमद। वालिदा। मेरे दिले शहजादे, मैं अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी। मेरा ख्याल है आपको खबर मिल गई होगी, बाबा ने मुझे अमस्या की रियासत में तैनात करने का हुक्म फरमाया है, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बरादरान भी जाएंगे अपनी रियासतों में। बहुत खूब, बरादरान कहाँ जाएंगे? सलीम कोनिया जाएगा, रियासत खुदाया रियासत में वालिदा, लेकिन रवाना होते होते मौसम गर्मा शुरू हो जाएगा। बहुत मुबारक हो शहजादे। वालिदा उदास ना हो, आप भी मेरे साथ अमस्या चलेंगी, या फिर शायद बरादरान के साथ ही जाना पसंद करेंगी, मालूम नहीं। शहजादी, खुशामदीद। मेहरमा अपने कमरे में है क्या? वो कमरे में है शहजादी, आपकी आरजू हो तो आपकी आमद की खबर दे दूं। जरूरत नहीं।